मॉड्यूल का रास्ता जैसे ही चांद की ग्रेविटी के कंट्रोल में आता है, स्पेसक्राफ्ट का पहला वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हो जाता है। वो चांद के ऊपर से निकलते हुए उसकी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को नापता है। चांद के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को और लैंडिंग की जगह के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए उन्होंने UCLA और वाइजमैन इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मैग्नेटोमीटर लगाया था। ये फुटेज इस बात की गवाह है कि इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख दिया है। उनकी लैंडिंग साइट मारे सेरेनिटैटिस पर है। अपोलो मिशन में से एक उस मारे के किनारे तक गया था और वो जो पत्थर वहां से जमीन पर लाए थे उनसे हमें पता चला कि उनमें मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं। चांद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अपोलो मिशन के लाए नमूनों में से कुछ पर से ऐसे मैग्नेटिक निशान थे जिनसे पता चलता है कि वहाँ कुछ और जटिल प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए बेयर शीट के मैग्नेटोमीटर हमें जानकारी देंगे कि चांद पर क्या चल रहा है और वहाँ की मैग्नेटिक हिस्ट्री आखिर क्या है। चांद की चट्टानों के मैग्नेटिज्म की उनकी उम्र के साथ तुलना करने पर इस बात की नई जानकारी मिलेगी कि चांद बना कैसे। ये हमें पूरे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बुनियादी जानकारी देगा। अपनी आकाशगंगा से परे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हमारी खोज के लिए सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी महत्वपूर्ण है। बेरशीट मिशन की एक और मुख्य खासियत है स्पेसआइल और नासा के बीच सहयोग। कम्युनिकेशन सपोर्ट देने के साथ साथ नासा ने मॉड्यूल को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहलाने वाला एक सिंपल लेकिन पावरफुल उपकरण भी दिया। रेट्रो रिफ्लेक्टर एक खास मिरर है। इसकी खासियत है कि एक लेजर बीम चाहे किसी भी दिशा पर इससे टकराए वो वापस ठीक वहीं रिफ्लेक्ट करेगी जहां से वो बीम आई है। बेयरशीट पर लगे रेट्रो रिफ्लेक्टर से टकराने वाली लेजर ल्यूनर ऑर्बिटर से आएगी। लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर या LRO एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने चांद के चारों तरफ ऑर्बिट में छोड़ा था। यह करीब वहां 10 सालों से है। इसमें एक लेजर ऑल्टीमीटर है जो बेयरशीट की लोकेशन बताने में मदद करेगा। ल्यूनर ऑर्बिटर बेयरशीट और ऑर्बिटर के बीच की दूरी को एकदम सही तौर पर तय कर पाएगा। ये रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कई दशकों तक काम करते रहेंगे और इनकी मदद से इस क्षेत्र में चांद के भावी मिशन का अपना संचालन कहीं ज्यादा सटीकता से कर पाएंगे।